हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। सो ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेरीज आई एम रिसीविंग फ्रॉम यू टुडे आई विल टेक वन क्वेश्चन ऑफ चैप्टर फर्स्ट पेज नंबर 10। लेट्स सी हाउ यू हैव टू फ्रेम द आंसर्स एंड राइट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम पेज नंबर 10 एंड इट इज़ रिलेटेड टू चानूदारो। सो द क्वेरी आई हैव रिसीव इज हाउ टू मेक द आंसर्स, how to make the points and how to write in the board examination after going through this paragraph. Okay, now this paragraph is related to the craft production center at Chanudaro. Let's see. Okay students, so this is the question I have made. Okay, now this question is evaluate the role of Chanudaro in context of bead making center, and this question can be there in 3 marks or 5 marks. Okay, so start with this. Chanudaro is a tiny settlement of 7 hectare as compared to Mohenjo-daro. Chanudaro था वो 7 hectare का settlement था, जबकि Mohenjo-daro कितने का था, 125 hectare का था। यानी कि ये एक छोटा settlement था, लेकिन इसकी जो importance थी related to bead making वो हमें इस question में बतानी है। जी second point आप लिखेंगे, ये जो center था ये exclusively bead making के लिए था, और इसमें किसका इस्तेमाल होता था, स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन का इस्तेमाल होता था, मेटल वर्क यहाँ पे होता था, सील मेकिंग बनती थी और वेट बनाए जाते थे। बीड्स किससे बनाई जाती थी, स्टेटाइट से बनाई जाती थी, जो एक सॉफ्ट पत्थर होता था जिसको कि मिट्टी को पका के बनाया जाता, बर्न्ड विथ क्ले। एंड बीड्स जो थी वो और किस किस तरह चीज़ों से बनती थी, इट वॉज ऑल्सो मेड ऑफ स्टोन्स मेटल्स एंड बर्न्ड क्ले, मिट्टी को पका के बनाया जाता था। किस किस तरह की बीड्स हमें चानूदारों में मिली है, डिस्क शेप्ड है, ओके, बटन की तरह होती है, सिलेंड्रिकल इन शेप, स्फेरिकल मिली हैं और बैरल शेप मिली है। बीड्स को सजाया भी जाता था, उस पर छेद करके, जैसे बटन में छेद होते हैं, और उस पर पेंटिंग की जाती थी और कुछ पे सुंदर डिज़ाइन भी बनाए जाते थे। तो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ऑल दीज पॉइंट्स आर इन दैट पैराग्राफ पेज नंबर 10। Now you have to write these and you have to underline the main points so that the examiner directly can see the main points and give award you marks. Okay? अब एक red color of carnelian, carnelian नाम का एक पत्थर मिला है, एक स्टोन मिला है, उसमें जो लाल कलर था वो कैसे बनाया जाता था, जो कि बहुत सुंदर और उसकी काफ़ी डिमांड थी। तो एक येलोइश रॉ मटेरियल होता था, उसको बीड्स के साथ पकाकर उसमें वो रंग लाया जाता था, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस था और उसकी काफ़ी डिमांड थी। एक स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, यानी कि ड्रिल्स के औजार मिले हैं जो कि हमें चानूदारों में मिले हैं, ओके, लोथल गुजरात में मिले हैं और धोलावीरा में मिले हैं। ये जो ड्रिल मेकिंग को बनाने के लिए जो औजार होते थे, ये देखिए, दिस वॉज द टूल्स एंड बीड्स। ये देखिए, स्मॉल डिस्क शेप्ड है, सिलेंड्रिकल शेप्ड है। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट कि जो नागेश्वर एंड बालाकोट जो स्पेशलाइज सेंटर्स थे शेल ऑब्जेक्ट्स के, जिसमें यहाँ पे बैंगल्स बनाई जाती थी, लेडल्स और इनले बनाए जाते थे, एंड ऑल दिस वर टेकन टू द हड़प्पा एंड मोहनजोदारो एरिया। ओके, सो दिस सजेस्ट दैट चानूदारोज इम्पोर्टेंस इन कंटेक्स्ट टू हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ वेरी मच देयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ यू हैव टू रीड द पैराग्राफ, ओके, and then frame the answers. After this question, I hope you have understood that how to write the answer by reading the paragraph. Okay students, in this way you will have to write 7 good points in 50 to 60 words depending upon the question. Indian political map will be given to you in the exam, okay, and you have to pinpoint the exact location of Harappan civilization. Okay. Now here I have drawn some places for you. Now this is your international boundary of India and Pakistan. This is Pakistan. This is Indian mainland. And suppose you have to pinpoint where is Harappa. Okay. Now look carefully. This is the Indian mainland and
you are seeing this cut. This is Punjab. This is Punjab. Now just adjacent to this Punjab, you will have to locate Harappa. Okay, this is in West Punjab, present day Pakistan. Now another major cities of Harappan civilization was Mohenjo-daro. This is in present day Sindh, Pakistan. This is Rajasthan, and just adjacent to this area, this is Mohenjo-daro, present day Pakistan, in Sindh area. Now Kalibangan, it is in Rajasthan. Okay, now two Indian cities, in two major Indian cities of Harappan civilization is in Haryana, Rathigadi and Banwali. You have to locate in this way. Now moving on to the Gujarat area, here you can found a port town Lothal, Dholavira. Now here ये देखिए गुजरात है, ये जस्ट लाइक लुक्स लाइक अ लॉयन ओपनिंग हिज माउथ. सो हियर इज अ कट. नाउ द अपर एरिया, इन दिस एरिया यू कैन लोकेट धोलावीरा, एंड इन द लोअर पोर्शन द नेक एरिया ऑफ लॉयन इज लोथल. ओके, दी धोलावीरा एंड लोथल, एंड टू मोर बीड मेकिंग सेंटर आज नागेश्वर एंड रंगपुर. यू कैन सी द फाइव ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस. दिस इज झेलम, दिस इज चिनाब, दिस ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बतन एरिया. दिस इज रावी, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, लाहौर एग्जिस्ट. नाउ ब्यास एंड सतलुज, दिस फ्लोज फ्रॉम पंजाब एरिया. ओके, पंजाब द कन्फ्लुएंस ऑफ फाइव रिवर्स. नाउ दिस कोड वर्ड इज झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. दिस फाइव रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, एंड दिस इज द इंडस रिवर. It meets Arabian Sea here. So students, today we have discussed this map area also. Okay students, so one more point. This Harappa was excavated or discovered by Dayaram Sahni, okay, in 1920, and Mohenjo-daro city was excavated by Rakhal Das Banerjee. So this is for today now. See you in next video. Till then, please send me your queries. Bye.